भुजिया बनाने जा रही हूँ। एक कटोरी आटा मैदा लिया है मैंने, एक चम्मच चीनी, चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर और चौथाई चम्मच खमीर और दो बड़े स्पून दही और थोड़ी सी नमक, जिसे स्वाद के लिए हल्का नमक रहना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चीनी, खमीर, नमक थोड़ी सी स्वाद अनुसार और दो चम्मच दही। इसको मैं मिक्स करूंगी और अच्छे से, पहले मैदा को मैं चाल लिया है छन्नी से और इसमें दही डाल दिया और गर्म पानी से थोड़ा सा मैं इसे सानूंगी। मैंने एक चम्मच इसमें रिफाइंड दे दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सानूंगी। ये देखिए, ये मेरा मुलायम टाइट थोड़ा आटा बनाना पड़ता है पिज्जा के लिए और ये मैं ढक के रख देती हूँ। 3 घंटे के बाद ये फूल जाएगा। मैं पिज्जा बनाते तवे के पिज्जा, ये देखिए मेरा पिज्जा के एकदम अच्छे फूल गया है, देखिए कितना बढ़िया। अब मैं बना के दिखाती हूँ और ये बहुत बढ़िया बना है, 3 घंटे के बाद फूल गया है पूरा। ये देखिए मम्मी ने हमारी बेस बना के आपको दिखाई थी, अब उसका मैं स्टफिंग दिखा रही हूँ क्या क्या लगता है। ये देखिए टमाटर और ये छोटे छोटे प्याज मैंने काट लिए लंबे लंबे और लंबे लंबे शिमला मिर्च, इसे फ्राई करना। और ये देखिए ये हमारा स्क्वायर जैसा है शिमला मिर्च काटा है और इस टाइप का एक प्याज काटना है। और ये हमारा पनीर है, इसे भी फ्राई हल्का कर लेंगे। तो पहले मैं इसे भून लूंगी और फिर इसे भूनूंगी। तो आइए मैं इसे दिखाती हूँ। ये देखिए उसके अंदर में जो मैं ग्रेवी डालूंगी, ये हमारा टमाटो सॉस है, ये सोया सॉस है और ये चिली फ्लेक्स, नमक और ये सोया पिज्जा सॉस है और थोड़ी सी वेनेगर, ये हमारे रेड वाली वेनेगर होती है, ये भी डालना थोड़ा सा जरूरी होता है, तो इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले कढ़ाई में हम आधा स्पून तेल डालेंगे क्योंकि हमें ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना, ये जो स्क्वायर वाली थी इसे फ्राई करनी है। इसे डाल दूंगी और प्याज इसे डाल के और इसे हल्का दम भूनना है। ये देखिए और इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, एकदम हल्का सा, और पनीर भी डाल दूंगी। ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसका कलर चेंज हो जाए उसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा फ्राई हो गया, तब इसे मैं निकाल लूंगी गैस बंद करके। ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया, अब हमें इसकी ग्रेवी बनानी है ऊपर में स्टफिंग के लिए। तो थोड़ा सा मैंने तेल दिया 1 स्पून और इसमें प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर एक साथ देकर इसे फ्राई करूंगी और फिर इसमें मसाला दूंगी जो मैंने दिखाया था सॉस। आप चाहे तो कॉर्न भी दे सकते हैं, आपके पास अगर कॉर्न है तो कॉर्न भी दे सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ये हमारा गल गया है, 2-3 मिनट बस और गलेगा पकेगा तो जाके मैं इसमें मसाला डालूंगी थोड़ा। ये देखिए मेरा पक गया है, तो अब इसमें हम चिली सॉस, सोया सॉस है ये, और थोड़ा सा टमाटो सॉस और नमक, नमक ज्यादा नहीं देना है इस तरह। और ये जो मैंने वेनेगर रखा था ब्लैक वेनेगर वो भी डाल देंगे और थोड़ा सा काली मिर्च, काली मिर्च की ये देखिए काली मिर्च से इसे डाल देंगे बस। अब इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको बंद कर देंगे गैस। ये देखिए मेरा स्टफिंग तैयार हो गया है। अब मैं पिज्जा का बेस बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ बना के। ये देखिए इस तरह से एक लोई लेना है और इस तरह और इसे हम चकले पे आपको बेल के दिखाती हूँ। ये देखिए
थोड़ा सा इसे तेल ले लेना अपने हाथों पर, इस तरह उस पर लगाना है। और अब इसका बेस बनाएंगे, इस तरह बेलेंगे। ये देखिए मैंने बेस को इस तरह से गोल कर लिया है। और ये देखिए हमारा फोक है, इसको इस तरह चारों तरफ हमें कर देना ताकि ये फूले नहीं। ये देखिए मैंने तवा चढ़ा दिया है, उसके ऊपर आप डाल दीजिए। और मैं तवे में ही आपको पिज्जा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए बेस हमारा कितना अच्छा फूल रहा है। तो अब इसे मैं पलट लूंगी इस तरह, देखिए। अब इसे थोड़ा सा अब इस पे मैं ग्रेवी सर्व करूंगी। अब इसके ऊपर मैं सॉस लगा दूंगी, टमाटो सॉस इस तरह फैला लूंगी। फिर पिज्जा सॉस डालूंगी इस तरह, अच्छे से फैला लेना है चारों तरफ कि हमारा पिज्जा सॉस लग जाए। और ये देखिए जो मैंने इसकी ग्रेवी तैयार की थी ये वाली डाल दूंगी। और ये मार्केट से भी अच्छी बनती है, बहुत ही स्वाद होता है इसका। ये देखिए मैंने डाल दिया ग्रेवी। अब इस पे थोड़ी सी पनीर और ये जो हमने भून के रखी थी उसे डाल देंगे अच्छे से। हेलो, देखिए इस तरह मैंने डाल दिया है। अब इस पे चीज डालूंगी, ये मैंने घर पे ही चीज बनाया है। बहुत आसानी से बन जाता है, घर पे जितना भी सामान है वो हम लोग घर पे ही मैक्सिमम रहता है। अब देखिए मैंने इसे अब इसे ढक दूंगी 5 मिनट तक इसे ढक दूंगी और तो फिर चेक करूंगी। ये देखिए पिज्जा हमारा चीज हमारा मेल्ट हो गया है और बहुत अच्छा कलर आया है। तो अब इसमें गैस बंद कर देती हूँ और इस पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और स्प्रिंकल्स डाल देती हूँ। ये देखिए ये मार्केट में मिल जाता है आसानी से और बहुत ही प्यारा चीज है ये। देखिए अब बहुत जल्दी बनता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।